please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन की चीन यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री चीन में शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज मुलाकात भी होगी। ये मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे होगी, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। कल प्रधानमंत्री शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बैठक में मध्य एशिया के भी कई देश शामिल होंगे, जिसमें आपसी संबंधों के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा होगी। The bilateral meeting with the Chinese President Xi Jinping that will happen on the first day, which is the 9th. There are other meetings being organized. कर्नाटक के सीएम ने कांग्रेस के नाराज विधायकों से मुलाकात की। कर्नाटक मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस विधायकों को मनाने के लिए सीएम एचडी कुमार स्वामी ने उनके घर जाकर मुलाकात की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियर ब्रिजपाल चौधरी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पीडीपी के पूर्व विधायक अब्दुल गफ्फार सोफी एक आतंकी हमले में बाल बाल बच गए। मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन से पुलिस ने अपने बॉयफ्रेंड पर पैसे खर्च करने को लेकर लोकल ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने के आरोप में दो लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। आईटी कंपनी विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी के सबसे छोटे बेटे तारिक प्रेमजी विप्रो एंटरप्राइजेस के बोर्ड में शामिल हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक दुनिया के सबसे ऊंचे शिवधाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई। 2 महीने बाद ट्विटर पर लौटे कपिल शर्मा ने अपने प्रशंसकों को बताया कि वो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला रहे हैं। संजय दत्त ने ट्वीट कर जानकारी दी कि करीब 7 साल बाद फिर उन्होंने एक तेलुगु फिल्म के हिंदी रीमेक के जरिए प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर हमला बोला है। ओवैसी ने प्रणब मुखर्जी पर आरएसएस के सामने झुकने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए पूछा कि कांग्रेस अब बताए कि उनका सेक्युलरिज्म कहां है। ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद जिन लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, प्रणब मुखर्जी उनके ही घर गए थे, जो तकलीफ देने वाली बात है। जो शख्स कांग्रेस पार्टी में अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारा, जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे, जो हिंदुस्तान का समय जमूरिया बना, वो आज आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर अपना माथा टेकता, जिसके बावजूद भी अपनी जगह कांग्रेस पार्टी। दिल्ली पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई मामलों में शामिल एक इनामी बदमाश समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण कश्मीर के जंगलों से आतंकियों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो सोते नजर आए। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश की वजह से सरकारी अनाज मंडी में खुले में रखा चना खराब हो गया। यूपी के संभल में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी की भीड़ ने पिटाई कर दी। दिल्ली के नरेला में रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक आदमी का शव बरामद हुआ। गुजरात के महेसाणा में बीच सड़क पर हमले में घायल एक आदमी की इलाज के दौरान मौत हो गई। खबर है कि मशहूर अंकशास्त्री संजय जुमानी की सलाह पर प्रीति जिंटा ने अपने पति के नाम का पहला अक्षर जी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। उपचुनावों में बीजेपी की हार को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। अमित शाह ने जयपुर की रैली में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ 8 उपचुनावों में जीत दिखाई देती है, लेकिन हमने कांग्रेस से 14 सरकारें छीन ली हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि 2014 से लेकर अब तक बीजेपी का लगातार जनाधार बढ़ा है और यही कारण है कि बीजेपी हर विधानसभा चुनाव जीतती रही है। अभी अभी कुछ उपचुनाव हार गए, सारे कांग्रेसी की बात खुश हो गए। 8 उपचुनाव हारे। कांग्रेसी अगर भाषण को सुन रहे राजस्थान में तो सुन ले, हम तो 8 उपचुनाव हारे, हमने आपकी 14 सरकारें छीन ली, आपको मालूम।
राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष पद का विवाद सुलझाने के लिए आज खुद अमित शाह जयपुर में पार्टी के नेताओं से बात करेंगे। एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष का पद खाली है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ओम प्रकाश माथुर से राजस्थान में जुड़े एक केंद्रीय मंत्री और कई नेता पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। अब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को ये तय करना है कि गजेंद्र सिंह के नाम पर ही मोहर लगाई जाए या फिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान नेताओं के सुझाए गए नामों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने 16 अप्रैल को इस्तीफा दिया था।